युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 84 खेला जाएगा पलानी टस्कर्स और नीलगिरी नाइट्स के बीच में। दोनों टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा सब चीज़ बताऊंगा, साथ ही साथ टीम कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी, किस टीम के कितने प्लेयर लेने हैं, सारे आपके डाउट क्लियर करके चलूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो ईजिली आप इस मैच में अच्छी खासी विनिंग कर जाओगे। तो वीडियो अगर देखने आए हो ना भाई तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो चलिए भाई सीधी सीधी यहां पर भाई बात कर लेते हैं टीम्स के बारे में पहले, उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर भाई पलानी टस्कर्स आपको नंबर एक पर दिखेगी और नीलगिरी नाइट्स नंबर तीन पर दिखेगी। छः मैच में से पाँच मैच जीते पलानी टस्कर्स ने और पाँच मैच में से चार मैच जीते नीलगिरी नाइट्स ने। स्कोर डिफरेंस 37 और इनका भाई 117 का है, बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों टीम्स में से किसको फेवर करोगे, देखिए मैं रिकमेंड करूँगा 4-3 या फिर 5-2 का रेशो इन फेवर ऑफ पलानी टस्कर्स, क्योंकि के जब प्लेयर चलते हैं ना तो एक तरफा ही चलते हैं और अकेले ही दम पर विनिंग करवाने की हिम्मत रखते हैं, तो जरूर से आप इन्हें ही बैक कीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो देखिए दोस्त, अभी जो मैं आपको टीम बना के दूंगा ना वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन टीम या आप बोल सकते हो डेमो टीम रहेगी। फाइनल टीम आपको कहां मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कैसे मिलेगी और कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं जाना आता या नहीं पता या डिस्क्रिप्शन वाला लिंक वर्क नहीं करता तो कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट कमेंट है वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। चलिए भाई सीधा सीधा बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, फिर आपको टीम बना के दिखा दूंगा। तो यहाँ से भाई सबसे पहले पलानी टस्कर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग टीम है। इनकी तरफ से भाई अगर बात करेंगे शक्तिवेल थांगेवेलु, लास्ट मैच में मैंने क्लियरली मैंने इन्हें वीसी नहीं दिया था, बट आप टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा मैंने क्लियरली बोला था कि इस मैच में आपके लिए ये एक डिफरेंशियल वीसी का काम जरूर करेंगे और अगर आपने इन्हें वीसी किया होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ आपने ग्रैंड लीग तक भी विन की होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाले प्लेयर्स में ये थे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से आपको अरुण कुमार अरुमुगम दिखेंगे जो अगेन हमारी टीम में थे और इन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, ये भी एक मस्ट ऑफ पिक की कैटेगरी में आपके लिए प्लेयर रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो डिफेंस में इनकी तरफ से यहाँ पर और कोई अच्छा प्लेयर नहीं दिखेगा, ऑलराउंडर सेक्शन में इनके डिफेंडर दिखेंगे। एम मुथैया की बात करें, लास्ट मैच कंप्लीटली फ्लोप रहा है, ठीक है, बट आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट मैच फ्लोप क्यों रहा, क्योंकि भाई टीम ने इन्हें खिलाया ही नहीं, सब्स्टिट्यूट के तौर पर बैठा दिया। वहीं अगर आप देखोगे रवि कुमार दामोदरन, लास्ट मैच में एक टैकल है, जीएल मिनी जीएल के लिए एक बड़ा ट्रंप कार्ड पिक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मुथैया को मैं मस्ट पिक में रखूंगा। रेडिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहां से वी असालवन को हमने टीम में रखा था एज ए कैप्टन, वन साइडेड विनिंग इन्होंने हमें करवाई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो डी कांडास्वामी, मैंने इन्हें भी अपनी टीम में रखा था, ठीक है, और आपके लिए ये डी कांडास्वामी को नहीं भाई मैंने यहाँ से रखा था डी कृष्णा मूर्ति को, इन्होंने भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी, डी कांडास्वामी से ज़्यादा पॉइंट इन्होंने भी दिए थे और ये भी आपके लिए एक मस्ट पिक रहेंगे। अब देखिए इनकी खासियत क्या है, ये बंदा रेडिंग में अकेले दम पर भाई जब इसको चांस दिया जाता है ना तो ये बंदा निराश नहीं करता। अब टीम यूज ही ना करे तो अलग बात है, लास्ट मैच में भी इस मैच में भी एक भी अनसक्सेसफुल रेड नहीं है, ये इनकी खासियत है और इसीलिए भाई ऐसे प्लेयर आपके भाई को पसंद आते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें डी कांडास्वामी की तो ये बंदा है देखिए कमाल का, जब इन्हें यूज़ किया जाता है तो ये भी निराश नहीं करते, बट ये ज़्यादा अग्रेसिवली खेलते हैं तो ये क्या होगा कि या तो ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे या ये माइनस में पॉइंट दे जाएंगे, ठीक है, तो ये इनकी भाई खासियत रहती है। वी असालवन बेस्ट रेडर है इस टीम का, मेन रेडर इस टीम का, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो टीम के जो सेकेंड टीम है नीलगिरी नाइट्स, तो उनकी भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले गोपी चांद पोटला की बात करेंगे, लास्ट मैच में भाई थोड़ा सा एवरेज दिखे, सिर्फ दो ही टच पॉइंट, एक यहाँ पर बोनस पॉइंट निकाला। सीमा रेड्डी, इनकी बात करें तो इन्होंने यहां पर एक टच पॉइंट, दो बोनस पॉइंट निकाले। इसके अलावा बात करें ए वल्ली मोडू की, ये भाई लास्ट मैच में अच्छा करके गए। अब देखिए है बंदा रेडिंग सेक्शन बट डिफेंस में ज्यादा पॉइंट है, ठीक है, तीन टच पॉइंट, दो बोनस पॉइंट, तीन टैकल पॉइंट इन्होंने निकाल कर दिए। इसके अलावा अगर बात करें तो और तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर रेडिंग में, रेडिंग सेक्शन में तो दिखा नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में लक्ष्मा रेड्डी लास्ट मैच नहीं खेल कर आ रहे, अगर ये खेलता है तो मस्ट पिक रहेगा, अदरवाइज हम ड्रॉप करके चलेंगे ही चलेंगे। रेडिंग सेक्शन के बाद भाई बात
करें डिफेंस की तो अंकालू जामपना, इनकी बात करें तो लास्ट मैच में भी इंपॉर्टेंट थे, इस मैच में भी एक डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे, तीन टैकल इन्होंने जरूर निकाले थे। एस मालाडी की बात करेंगे, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो, अगर आपको सेफ जाना है तो मालाडी को, अगर आपको रिस्क लेना है तो भाई यहाँ पर अंकालू जामपना को। वहीं अगर बात करें तो औरतों को इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं, आज पालपी को आप जीएल मिनी जीएल में ही ट्राई कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले भाई डिफेंस से स्टार्ट करेंगे, थांगे वेलू, अरुण कुमार और अंकालू जामपना। इसके अलावा यहाँ पर बात करें भाई पी गोपी नेडी की बात करनी मैं भूल गया, ये आपके लिए लास्ट मैच में भाई कमाल करके गए, 7 टैकल निकाल कर आ रहे हैं, बट सामने भाई टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक तो होती है स्ट्रॉन्ग और एक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये जो इनकी परफॉर्मेंस आई है ये इनके ग्रुप की जो लोवेस्ट टीम है ना उसके अगेंस्ट में, तो भाई इस मैच में बहुत से लोग इनको लेकर आएंगे बट मेरी टीम में जगह नहीं बन पाएगी। बात करें अगर यहाँ पर भाई ऑलराउंडर सेक्शन की तो मुथैया को टीम में लेकर चलेंगे, रेडिंग सेक्शन की बात करें तो वी असालवन को टीम में रखूंगा, नीचे अगर आप चलोगे तो डी कृष्णामूर्ति को टीम में रखूंगा, अगर आप चाहो तो डी कांडास्वामी को टीम में ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा गोपी चांद पोटला को मैं टीम में रखूंगा। सी वी सी की बात करेंगे, असालवन को मैं कैप्टन देने वाला हूँ, थांगे वेलू को मैं वी सी देने वाला हूँ, ठीक है। टीम के अगर प्रिव्यू की बात करें तो वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, कोई भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट आती है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिलेगी, अभी के अभी जाके ज्वाइन कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।